यूपी पुलिस के एडीजी ने प्रशांत, आपको बता दें प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमारी पुलिस इस मामले की जांच करने गई है, किसी को भी भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एडीजी से बात की है आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने, क्या कहा उन्होंने सुनिए। कुमार हैं जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश के, सर आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आप लोगों को मुंबई टीम भेजने की जरूरत इस तांडव वेब सीरीज के लिए क्यों पड़ी? जो भी एफआईआर होती है उसमें मैं एफआईआर की विवेचना जिसको भी आवंटित होती है ये उसका लीगल दायित्व होता है कि जो एफआईआर में तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और ये विवेचक का विशेषाधिकार है कि वो किन किन पहलुओं को देखेगा, किसी भी विवेचना को कंक्लूड करने के पहले किन किन पहलुओं को देखेगा और इस चीज़ों को उनके डायरेक्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर जो जिले स्तर के होते हैं उसको देखते हैं। कुछ लोगों ने इस मूवी के साथ और एक और मूवी जो मिर्जापुर से संबंधित है उससे संबंध में भी एक एफआईआर कराई है। सभी जगह निष्पक्ष और पूरी तरीके से विधिक विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी का हरासमेंट ना हो, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो अगर किसी लोगों की भावनाएं हैं, हर्ट हुई हैं, आहत हुई हैं, तो वो उसका क्या निदान निकल सकता है। तो इस संबंध में ही विवेचनाएं चल रही हैं। अभी विवेचना के बारे में क्या चीज़ें कंक्लूड होंगी, विवेचक किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, अभी से कहना बहुत प्रीमैच्योर है और अभी प्रारंभिक दौर पर विवेचना चल रही है। इसके लिए विवेचक अपने अपने स्तर से जो उनकी एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही विवेचना की जा रही है। सर क्या इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के नाम हैं, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहाँ तक के जो फिल्म के एक्टर हैं, सबों को बनाया गया है इसमें वादी, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ला भी सकती है या फिर वहाँ इनकी जांच ही करेगी? गिरफ्तारी और विवेचना इसका एक सभी पहलू होते हैं जिसको विवेचक इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और गिरफ्तारी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी समय समय पे जो निर्देश मिलते रहते हैं उन सभी कार्रवाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया विधिक तरीके से होगी और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि हम विवेचना को एक कानूनी तरीके से चलाएं। और अभी ये तो गिरफ्तारी करना न करना विवेचक का विशेष अधिकार है और उसमें किसी भी सीनियर ऑफिसर पे के लिए कमेंट करना उचित नहीं है और न ही विधिक है। तो इसलिए विवेचनाएं चल रही हैं जो और विवेचना के बाद से जैसी भी आगे की कार्रवाई होगी वो विवेचक अपने स्वविवेक से करेगा।